रामा मंडी दे शिव शक्ति साईं बाबा मंदिर सनी इनकलेव ढिलमा विच नवरात्रे का त्यौहार बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके मंदिर विच श्रद्धालुओं ने हवन जाग किया। जलंधर तो मनीष दी विशेष रिपोर्ट। लाइव पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरा सत श्री अकाल। अज असी आए हाँ शिव शक्ति साईं बाबा मंदिर रामा मंडी ढिलमा, जिथे नवरात्रे चल रहे, नवरात्रे की धूम मची हुई, नवरात्रे की पूजा ते यज्ञ हवन चल रहा है, तो आओ गल करते हैं पंडित जी ते श्रद्धालुओं। शिव साईं शक्ति मंदिर सनी इनक्लेव में बना हुआ है, तो मैं यहाँ से 8 साल मेरे को हो गए इधर आए, तभी से मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। मेरी इस मंदिर के मुताबिक श्रद्धा बहुत है और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी की है साईं बाबा जी और शेरावाली माता ने। मतलब सभी लेडीज यहाँ पे एक साथ कीर्तन करते हैं तो माता का गुणगान करते हैं। हम कीर्तन भी करते हैं, हमारी कीर्तन मंडली भी है, ठीक है, नवरात्रों में हमारा कीर्तन होता है, हम सारी मंडली कीर्तन करती है। धन्यवाद। नमस्कार मैम, आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मैं लोकल रामा मंडी से ही हूँ। हाँ जी, हम ये शिव शक्ति मंदिर है यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रों में बहुत स्पेशल फेस्टिवल्स यहाँ पे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस होती हैं और सबसे बेस्ट बात ये है भी नवरात्रे में हम लोग जो सुबह हवन करते हैं वो सबके लिए होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे हवन होता है ये एक पर्टिकुलर सिंगल वन पर्सन के लिए नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का बंदा यहाँ पे, किसी भी तरह का नहीं है, हर तरह, हाँ हर तरह के जात के बंदे यहाँ पे आते हैं, अपनी श्रद्धा से जो भी माता रानी से जो भी मांगता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे हवन होता है मतलब कोई भी किसी व्यक्ति धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम पूर्वक आ सकता। हाँ, प्रेम पूर्वक किसी भी धर्म का कोई भी बंदा आके इसमें अपना योगदान दे सकता है, इसको अपना साथ में ज्वाइन कर सकता है और इसके कोई चार्जेबल नहीं है, अभी कुछ एक्स्ट्रा होता है, अपनी श्रद्धा के साथ बस आके अपने माता रानी के नाम लेना है और जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी आपकी होती है यहाँ पे। यानी कि कोई भी मंदिर के साथ जुड़ सकता है, कोई मतलब ट्रस्ट नहीं देने की जरूरत, कोई नहीं, कोई ट्रस्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं, एनीबॉडी कैन ज्वाइन दिस मंदिर, कोई भी ये मंदिर ज्वाइन कर सकता है। ये हर साल ऐसे ही साल में 2 बार करते हैं हवन, सारी संगत जो सारे गांव की है सारे साथ देते हैं मंदिर का, और साल में 2 बार होता है हवन, सुबह और शाम को कीर्तन भी। नमस्कार पंडित जी, जैसे यहाँ पे यज्ञ वगैरह चल रहा है ये हर वर्ष ऐसे ही होता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, ये है कि आज ये 22 साल से हम ये है ये जो है नवरात्रा का हवन यज्ञ है हम करवा रहा हूँ। 8 साल हमारे शिव शक्ति साईं बाबा मंदिर के निर्माण का हुआ है और ये 8 साल से यहाँ पर लगातार जो है चैत्र की नवरात्रा और आश्विन की नवरात्रा में जो 9 दिन तक जो है माँ माई का अखंड हवन होता है, अखंड ज्योति होती है, सारे गांव के संगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपना इसमें हिस्सा लेकर के महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यानी 22 साल से ऐसी हो रहा था, हर वर्ष आप जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन यज्ञ हवन चलता है।